हेलो एवरीबी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो पढ़ाई करके आए हो ना सारे चैप्टर्स पढ़ के आए होंगे वन टू फोर क्योंकि आज तो महाक्वेज होने वाली है और चारों ही चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले

चारों चैप्टर्स पढ़ के आयो मस्त एकदम हाँ क्यों भाई मनीष तिवारी चलिए सो so, अगर आप सभी लोग इतने ही तैयार हैं चारों चैप्टर्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिए सो लेट्स स्टार्ट द क्विज और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे मेरे यूनिट वन के सभी क्वेश्चंस का राइट सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स गो देखते हैं चलो भैया कितने पानी में हो तुम लोग we are starting the quiz now maha quiz unit 1 diversity in living world so all the best everyone we are starting we are gonna start now Chalo, one two three go question number one true nucleus is absent in 20 seconds Dhy mapku we have got 20 seconds think. And answer. Come on, hurry up. Time's up, time's up. क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्या पूछा है मैंने आपसे पूछा है ट्रू न्यूक्लियस इज एबेंट इन और काफी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं डी काफी स्टूडेंट्स का मानना है डी दैट इज एनाबेना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों डी एनाबेना इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज ये एक प्रोकैरियोट है एंड प्रोकैरियोटिक्स डू नॉट हैव अ वेल न्यूक्लियस राइट याद रहेगा ना चलो बच्चों वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जीनस रिप्रेजेंट्स बताइए व्हाट इज जीनस वेरी गुड इवनिंग सुरेश वेरी गुड इवनिंग सरोज आंसर बताओ बच्चों के वेरी नाइस काफी स्टूडेंट्स का मानना है दैट ऑप्शन सी यानी कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस वन इज एब्सोल्युटली राइट सो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन है सी वेरी गुड बच्चों और मैं देख रही हूँ तुम लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो साथ साथ यार बड़े गंदे बच्चो यार तुम तो लाइक like भी क्या करो और दोस्तों के साथ शेयर भी समझे चलो भाई क्वेश्चन नंबर थ्री रीड कीजिए एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हां जी ट्राई कीजिए सेलेक्ट द करेक्ट वन वेरी गुड वेरी गुड हां जी क्या लगता है आपको कि कौन सी ऑप्शंस यहां पर करेक्ट होंगे पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम इन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप फिर लिखा हुआ है पैरापोडिया इन एनिल्स हेल्प इन स्विमिंगन मोलिस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल एंड फाइनली एस की एलमेंट डाय आपसे पूछा है इसमें से कौन सी जो यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या होगा सही या गलत है तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले वाला ऑप्शन था जिसमें लिखा है कि आर्थ्रोपोडर का सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्लोज है तो यार यही गलत है बाकी तीनों तो स्टेटमेंट्स करेक्ट थी है ना भाई तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा ए अलोन इज रॉन्ग ठीक है बच्चों क्योंकि एनिलिडा में जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में हेल्प करता है दैट इज राइट मोलिस का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है बिल्कुल सही बात है एसके एलमेंथिस डायोशियस है यानी कि मेल अलग एंड फीमेल अलग ठीक है बच्चों वेरी गुड आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट्स अबाउट ड्यूट्रोमाइसिटीज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो चलो रीड करो और सही आंसर बताओ कम ऑन जी विच वन इज राइट क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट है देर आर कॉमन दे आर कॉमनली कॉल्ड इम परफेक्ट फनजाई इनको क्या कहा जाता है बच्चों इम परफेक्ट फंजाई बिल्कुल सही बात है फिर लिखा हुआ है दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय ऊस पोर्स नो दिस इज नॉट करेक्ट फिर लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा एंड कॉलिटो बिलोंग टू दिस राइट फिर लिखा हुआ है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो डीकंपोजर हैं, बाकी लार्ज नंबर सेप्रोफाइट है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई वन एंड थर्ड ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चो सी वेरी गुड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए बताइए विच वन इज राइट बच्चों मैं एक लिंक शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ दिस इज माय अनदर चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक देन प्लीज गो फॉर इट आफ्टर स्कूल इज़ माई अनदर चैनल क्लास टेंथ के बोर्ड आ रहे हैं तो साइंस और इंग्लिश की वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है ताकि टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स भी नाइन्टी प्लस स्कोर कर सके ठीक है सो so अपने छोटे भाई बहनों को भी बताइए एंड प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए वेरी गुड इवनिंग रिया वेरी गुड इवनिंग प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दैनल एवरी वन चलिए सो क्वेश्चन में पूछा था कि जो टेक्सोनोमिक यूनिट है फाइलम वो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में किसके इक्वेलेंट होती है सो so, बच्चों वो डिविजन की इक्वी वैलेंट होती है राइट सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सिक्स ओवी पेरस कौन सा इनमें से एग लेंग अंडे देने वाला इसमें से कौन सा होगा चलो बता दो गुड इवनिंग राखी बेटा अन अकेडमी पे तो मैंने आज भी क्विज ली थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था यस yes, सुरेश आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अन अकेडमी एज वेल अगर आप लोग अन अकेडमी पे क्लासेस लेना चाहते हैं सो यू कैन यूज माय रेफरल कोड बायोफिलिक टेन आपको वहां पर फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगी बच्चों गुड इवनिंग गर्व बताइए बच्चे क्या बात है मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता था प्लेटिपस ये एक मैमल है लेकिन ये ओवी है ये क्या एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चलो बच्चों रीड करो और बताओ इनमें से कौन सी बिल्कुल करेक्ट होगी चलिए चले सो so, बच्चे इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सी लिखा हुआ है वायरसेस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर दिस इज एब्सोल्युटली राइट या तो उनके पास सिर्फ आरएनए होगा या फिर सिर्फ डीएनए ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच इज द ओनली फाइलम दैट इज विदाउट एनी नर्व सेल स्पीड बढ़ाओ बच्चों ट्वेंटी ट्वेंटी सेकंड्स में आंसर कीजिए गर्व आंसर करो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज आप लोगों के साथ तो स्पीड बढ़ाओ आप लोग ठीक है सो क्वेश्चन नंबर एट कौन सा ऐसा फाइलम है जो बिना नर्व सेल के है बेटा पौरी भाई सबसे पहले आते ही थोड़ी ना सारी डेवलपमेंट हो गई होंगी राइट करेक्ट ऑप्शन इज ए पॉरी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर नाइन आराम से रीड कीजिए बच्चों और बताइए कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा रिगार्डिंग दी सर्टेन ऑर्गेनिजम्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर चलिए ट्राई योर बेस्ट हाँ जी राखी बताइए आंसर कौन सा ठीक होगा हेलो गौरव सो <coughs> so, बेटा पहली स्टेटमेंट है कि जो मिथेनेजेंस होते हैं वो ऐसे आर की बैक्टीरिया हैं जो कि प्रोड्यूस करेंगे मिथेन को किसको प्रोड्यूस करेंगे मिथेन को प्रोड्यूस करेंगे है ना ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है जी सही बात है फिर लिखा है नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा एब्सोल्युटली राइट right. फिर लिखा है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कीमोसिंथेटिकलोज की फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज से दिस इज रॉन्ग वो क्या बनाते हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे क्योंकि कीमोसिंथेटिक है है ना तो फिर क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर नाइन में थर्ड वाली स्टेटमेंट छोड़ के बाकी सब सही है ठीक है बच्चों तो आंसर क्या हुआ डी वन टू एंड फोर वेरी गुड समृद्धि क्वेश्चन नंबर टेन बताइए बेटा वन इज राइट बच्चों मैंने एक लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ दिस इज माई अनादर चैनल प्लीज गो फॉर इट सब्सक्राइब कर दीजिए उसको और अपने छोटे भाई बहनों को बताओ यार टेंथ क्लास में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है <coughs> ठीक है क्यों भाई क्योंकि साइंस और इंग्लिश की वीडियोस मैंने वहां पर डालना स्टार्ट कर दिया है ठीक है बच्चों चलिए सो so यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए सेल्यूलोस गैलेक्टेंस एंड मैनेस बेटा ये चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है ये टॉपिक ठीक है एलगे की जो सेल वॉल है वो सेलोस गैलेक्टेंस एंड मैनन से मिलकर बनी है राइट right? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नैक इनमें से कौन सा पॉइजनस नहीं है एग्जैक्टली exactly गर्ल जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात है कि कि नहीं चलो बच्चों आप लोगों ने बताया कि या, question number 11 का है ये chapter 4 में भी मैंने आपसे पूछा था रट लो अब तो उसको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ दिन इनमें से कौन सी गलत है चलो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन नंबर नाइन चेक करूं हाँ जी क्वेश्चन नंबर नाइन ये रहा बेटा क्या प्रॉब्लम है बताइए कौन सा वाला गलत लग रहा है आपको रामीन जो सी वाली स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी इसलिए हमने सी को छोड़ के बाकी तीनों करेक्ट कर दी ठीक है बच्चे चलो सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी कि इनकरेक्ट है बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो स्पोरोफाइट है उनके अंदर जो जायगॉट बनेगा उसमें मियोसिस हो जाएगी लिखा हुआ है जायगॉट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट मतलब कहने का मतलब है कि जायगॉट के अंदर मियोसिस होती है जिससे स्पोरोफाइट बनता है दिस इज रॉन्ग क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड स्टेज होती है तो जायगॉट में मियोसिस थोड़ी ना होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन द कैरेक्टर दैट प्रूव्स डेट फ्रॉग्स हैव इवॉल्व फ्राम फिशेज वो कौन सा कैरेक्टर है जिससे हमें पता चलेगा कि यार ये जो फ्रॉग्स की डिवलपमेंट हुई है ये जो फ्रॉग्स इवॉल्व हुए हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं फिश से ठीक है सो so, बताइए रुदेश बताइए कौन से फीचर से पता चला चले, so बेटा करेक्ट ऑप्शन है बी टैटपोल लार्वा इन फ्रॉक्स ठीक है लार्वा इन फ्रॉक्स, इससे हमें पता चला कि जो फ्रॉक्स हैं, वो डेवलप हुए हैं फिशेस से राइट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है चलो जल्दी रीड करो रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही है आपको गर्व, मैं तो वैसे 60 करवाना चाहती हूँ तो आप लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो ताकि मैं आज कम से कम से क्वेश्चन करवा दू आप लोगों को पूरे यूनिट वन प्रिपेयर हो जाएगी बच्चों बहुत बढ़िया ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ ना कि जिम्नोस्पाम है ना एंड मोनोकॉट तो ये तो इसके साथ ही आते के साथ ही गलत हो गया है ठीक है बच्चों नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली इनमें से कौन सा गलत है इनकरेक्ट कौन सा है चलिए बताइए विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज इन पाइनस के आगे लिखा है सेका कॉरेलॉइड रूट्स सिक्वा के आगे टैप रूट्स साइकस अनब्रांच्ड एंड सेड्रस ब्रांच कौन सा गलत है बच्चों <coughs> सुंदरम बेटा ए गलत है वेरी गुड तनिषा वेरी गुड ओके गर्व हरे आप सो बेटा यहाँ पर पाइनस में माइकोराइजा बनेगा और साइकस में बनती है रूट्स, ठीक है, जो कि साइनो बैक्टीरिया की एसोसिएशन होती है राइट right? और माइक्रोराइज़ा फंगस की एसोसिएशन होती है पाइनस के साथ चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटीज नॉट लाइंड बाय मीजोडम ठीक है नॉट लाइन बाय मीजोडम सो बताइए विच वन इज राइट परिणिता रमीन वेरी गुड बताइए कौन सा सही होगा इसमें फरहान जी जो भी मिस्टेक्स आप लोग यहां पर कर रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनिए वो मिस्टेक्स आप नीट के एग्जाम में नहीं करोगे कर क्योंकि आपको स्ट्राइक करेगा यार भावना मैम आपने बताया था उस दिन ये ऐसे नहीं है ऐसे होता है है ना अभी भी इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ए है करेक्ट ऑप्शन लेकिन बेटा करेक्ट ऑप्शन है बी अब ऐसा क्यों है ध्यान से सुनिए बच्चों अगर क्वेश्चन होता इन द बॉडी कैविटी इज द बॉडी कैविटी इज एप्सेंट तब आपका आंसर ए सिलोमेट होता लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडम से लाइंड नहीं है मतलब स्कैटर्ड होगी बिखरी हुई हो होगी पाउच में होगी ठीक है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा सूडो सिलोमेट ठीक है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सूडो सिलोमेट राइट चलो आगे बढ़ते हैं फाइंड आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट वाली स्टेटमेंट बता दो रीड करो फटाफट से सोमू अब समझ आ गया ना सेम मिस्टेक नीट में रिपीट नहीं करनी है बच्चों राइट शेख फरहान शार्ट आउट से कुछ नहीं होने वाला सब बच्चे अपने क्वेश्चंस के आंसर करने में व्यस्त हैं क्या करोगे शार्ट आउट करके यार मुझे शार्ट आउट दे दो तुम लोग <laughs> चलो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर अमन जी लेट हो गए हो आप हाँ और मैं तो टाइम से पहले आ गई थी एक मिनट पहले कलामन ने बोला मैम आप लेट आती हो फिर मुझे बुरा लगा इस बात का और आज मैं टाइम से एक मिनट पहले आ गई अर्पित जी गुड इवनिंग फाइनली आपको समय मिल गया है सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें चुनना था और हमने चुन लिया है डी वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ठीक है बाकी सभी स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ गलत है लेकिन फोर्थ वाली बिल्कुल ठीक पता है कैसे जरा देखो पहले वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा है न में जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या है फाइकोबाय सही बात है फंगल कंपोनेंट माइकोबाइंट है ये बिल्कुल ही सही बात है लेकिन लिखा हुआ है कि पहले वाला कंपोनेंट हिट्रोट्रॉपिक और दूसरे वाला ऑटोट्रॉपिक तो यार पहले तो एल्गी था तो ये तो सही बात नहीं है उसके हिसाब से गलत होगी स्टेटमेंट फिर लिखा हुआ है कि वायरॉइड्स के पास आर होता है लो मोलिकुलर वेट का राइट right. लेकिन प्रोटीन कोट भी होता है ये तो गलत हो गया ठीक है फिर लिखा है वायरस में दोनों हो सकते हैं डीएनए भी और आरएनए भी दिस इज आल्सो रॉन्ग ठीक है बच्चों सो करेक्ट ऑप्शन है डी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन मिस मैच बताना है बेटा मिस मैच बताना है बताइए ट्राई <coughs> करो मिस मैच सोमू फर्स्ट यूनिट की क्विज है चैप्टर नंबर वन टू फोर नहीं यार अर्पित बायो से दूरी मत बनाओ यार आयुष जी गुड इवनिंग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मिस मैच बताना था देखो बच्चो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा है यूस्टी लैगो यार उसको फाइकोमाइसिटीज में डाल दिया उन्होंने बड़े गंदे लोग हैं ये तो बेसिडियो माइसिटीज़ में आता है ये तो क्लब फंजाय होता है भाई तो ये कैसे करेक्ट हो सकता है है ना वेरी गुड अर्पित ऑप्शन सी आगे देखिए कौन सा मेमेलियन कैरेक्टर नहीं है कौन सा मेमेलियन कैरेक्टर नहीं है चलो बता दो फटाफट चलो बच्चों जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन है यार ये गलत है क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो हेट्रोडोंट होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट हैं और वो भी दो बार होगी एक तो टेंपरेरी और दूसरी परमानेंट राइट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए व्हिच वन इज राइट अरे आप एंड मैंने एक लिंक शेयर किया है बच्चों आप लोगों के साथ दिस इज़ माई अनादर चैनल इन केस आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी बताओ क्लास टेंथ में नाइन्टी प्लस लाने हैं तो दिस चैनल विल रियली हेल्प यू इसमें साइंस और इंग्लिश के लिए मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया चैप्टर वाइज ठीक है बच्चों गो फॉर इट सत्यम जी गुड इवनिंग बेटा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी है पहले लिखा है कि जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट होती है एक्टोर एंडोडर्म के बीच में ओबेलिया के अंदर यार तो निडेरिया है उसके अंदर तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो ये कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है ना फिर लिखा है एसट्रिया यानी कि इकैनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है दिस इज राइट तो यही बिल्कुल ठीक है एक और फिर भी पढ़ लेते हैं फेसियोला सूडो होता है नहीं वो ए सिलोमेट होता है ठीक है तो आपको ये याद रखना है बच्चों करेक्ट पूछी थी आपसे क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एनजोस्पम्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर जो एनजोस्पम है ज्यादा मात्रा में क्यों है अबंडेंट क्यों है रीजन बताइए चलिए रीड करो हाँ जी बेटा जो मेन रीजन है कि जो एनजीओ में वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं वो रीजन क्या है क्या लगता है आप लोगों को रीजन इज दे हैव पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट आप देखोगे वो अलग अलग हैबिटेट में आपको मिलेंगे पानी में जमीन में हर जगह पर ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग ऑर्गेनिज्मीपिंग एंड कालाजार बिलोंग्स टू विच ऑफ फॉलोइंग बेटा जो स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार करवाता है वो ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा मैं आपको याद दिला दूं उसका नाम क्या था क्या आप लोगों को याद है वो ऑर्गेनिज्म जो कि कालाजार और स्लीपिंग करवा रहा है हाँ जी किसी बच्चे को याद है हाँ फ्लैजिलेटेड तो है नाम क्या है उसका चलो ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट गैम्बियंस बच्चों याद रखना ट्रिपेनोजो गैम्बियंस इज एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कॉइनोसाइटिक माइसीलियम क्या होता है इसका मतलब कॉनोसिटिक माइसीलियम कौन से होते हैं चलिए सेलेक्ट कीजिए सही ऑप्शन हाँ जी सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड जो कॉर्नोसिटिक हाइफे है वो कैसा होगा बच्चे मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ए सेप्टेड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर ऐसी फीचर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दो, दोनों में होगी बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी चलो बता दो कौन सा फीचर है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है हर अब बताइए बच्चों विच वन इज राइट हां जी कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे डी बच्चों सी तो नहीं हो सकता बर्ड्स यंग वंस को तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ठीक है ना तो करेक्ट ऑप्शन होगा वार्म ब्लडेड नेचर फोर चाम्बर और दोनों में होता है और दोनों ही होमियोथर्मस होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ डायरियन इज फॉर्म बेटा फंगस में आपने पढ़ा होगा डाय कैरियॉन की फॉर्मेशन होती है कब फॉर्म होता है ये होगा क्या बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अर्पित ने अपना आंसर दे दिया है बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं परिणता सेल्फ मेक ओवर वेरी गुड बच्चों समृद्धि वेरी गुड डी इज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है जब जो न्यूक्लिया होते हैं ना एक सेल में दो न्यूक्लियस रह जाते हैं है ना तब हम उसको कहते हैं डाय कैरियॉन या डाई कैरियोटिक फेस ठीक है जी तो यहाँ पर तो तीनों में से ऊपर वाली स्टेटमेंट में से किसी में ऐसा नहीं लिखा हुआ सो so करेक्ट होगा डी वेरी गुड नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युगलीना इज करेक्ट बेटा युगलीना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों पूरे पचास प्रश्न या साठ भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकती हूँ अगर आप लोग अच्छे तरीके से आंसर्स करोगे लेकिन जल्दबाजी में गलत मत कीजिए और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछते चलो ठीक है तभी तो अच्छी तैयारी होगी बोर्ड्स Oh, बोर्डी नीट के लिए क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट होगा यूगलीना के बारे में बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है युगलीना इज अ फ्लेजुलेटेड ऑर्गेनिज्म सिर्फ यही स्टेटमेंट यहां पर ठीक है राइट right? तो ये याद रखना ये कौन सी स्टेटमेंट ठीक है युगलिना एक फ्लैजलेटेड ऑर्गेनिज्म है और वो स्टेगनेंट वाटर में मिलता है यानी कि रुके हुए ना कि मरीन समुद्र में ठीक है चलो आगे बढ़ रहे ट्वेंटी सेवन विच वन ऑफ दैम्बर्ड इन इनमें से किन में चार चैम्बर्ड हार्ट होगा बताइए बच्चों कम ऑन एवरीवान ट्राई टू गिव दंसर बच्चों यहां पर लिखा हुआ है एम्फीबियन रेप्टाइज बर्ड्स क्रोकोडाइल बर्ड्स मैमल्स क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड टर्टल एंड लिजार्ड मैमल एंड बर्ड्स लेकिन यहां पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन होती है रेप्टाइल्स में बर्ड्स और में तो होता ही है फोर चैम्बर्ड हर्ड राइट सो करेक्ट ऑप्शन बी आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनमें से कौन सा सिलिएटेड प्रोटोजोआ है जिसके पास सीलिया होता है बता दो बच्चों बड़ा ही आसान है क्या लग रहा है आपको विच वन इज राइट प्लास्मोडियम अमीबा पैरामीशियम लेश्मेनिया कौन सा सिलिएटेड होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज पैरामीशियम इसके पास बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेंगे राइट अब बताइए इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन है कैसी स्किन है बच्चों नॉन ग्लैंडुलर स्किन चलो अरे अप जिनके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है दैट मीन्स कोई जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स है वो उनकी बॉडी सरफेस पर नहीं होंगे तो बता दो बेटा कौन से वाले है ऑप्शन बी कैमिलियन एंड टर्टल गिरगिट और कछुआ ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी अ ट्रू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज बेटा ट्रू स्पीशीज कौन सी होगी बताइए चार ऑप्शंस हैं आपके सामने सेलेक्ट द बेस्ट वन <coughs> नहीं अमन मैं स्टार्टिंग से ही टीचिंग फील्ड में हूं नो no, अमन प्रताप बच्चों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कीजिए जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछिए बट ट्राई टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ओके एंड मैंने एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है बच्चों दिस इज माई अनदर चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एट अपने भाई बहनों को भी बताओ टेंस में चिंता करने की जरूरत नहीं है ट्वेल्थ के साथ साथ टेंथ में भी बोर्ड में नाइन्टी प्लस लेकर आने हैं हमें ठीक है सो so, साइंस और इंग्लिश की वीडियोज डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है शेयर दिस चैनल टू डियर स्टूडेंट बेटे देखो ट्रू स्पीशीज वो होती है जो आपस में ब्रीड कर सकती हैं दैट मीन्स इंटरब्रीडिंग स्पीशीज को ट्रू स्पीशीज कहते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जो कार्लस लिनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एम्ब्रोलॉजी या साइटोलॉजी चलिए बताइए एबीसीडी इज राइट हाँ जी बच्चों लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड था वेरी गुड सत्यम वेरी गुड बच्चों सो मॉर्फोलॉजी इज दी करेक्ट ऑप्शन सो ऑप्शन ए दैट इज मॉर्फोलॉजी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा बता दो बच्चों कौन सा ऐसा है जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है हरिया आप वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो यार शेयर किया करो दोस्तों के साथ जब तुम्हारे दोस्त आएंगे ना तब होगा तगड़ा कंपटीशन तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है क्यों भाई फिर उन्हें चढ़ा सकते हो तुम अबे तू तु तो टॉप टेन में आया भी नहीं था मैं था टॉप टेन में है कि नहीं चले बताइए बिचवन इज़ राइट वेरी गुड किरण वेरी गुड और जो बच्चे ए कह रहे हैं रॉन्ग स्वाति जी बिल्कुल सही बेटा ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए ये क्या है ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा ठीक है और आप लोगों ने सुना होगा कि एन में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब ही ये है कि एक दो ऐसे भी हैं जो प्रोटीन नहीं है राइट right? तो ये उसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है जी क्योंकि ये एक एंजाइम तो है बट दिस इज नॉट ए एंजाइम दिस इज क्या है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन यार मेल कॉकरोच डिफर करता है फीमेल कॉकरोच से है ना किस बेसिस पर कैसे पता चलेगा आपको कि जो मेल कॉकरोच है वो डिफरेंट है फीमेल कॉकरोच से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स बताइए अरे क्या बात है कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही से बोला यार मेल ज्यादा स्टाइलिश होते हैं यार आपको पता नहीं इतनी सी बात यार मेल कॉकरोच स्टाइलिश है दैट मींस द मेल कॉकरोच हैज एनल स्टाइल जो कि फीमेल के पास नहीं होता इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ठीक है बच्चों आगे देखिए द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन की साइट है वो क्या है ऑन अटेंड कीजिए बच्चों क्वेश्चन को विच वन इज राइट कौन सी यहां पर साइट है बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन की सो so, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों बी नहीं बेटा नो अनन्या दैट इज डी मेजो ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और उसी में से एक क्या है रेस्पेरेशन ठीक है बच्चों चलिए जी बिल्कुल मेंटी का भी जुगाड़ करेंगे चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोराइजा एग्जिबिट्स दिनोमिना ऑफ माइकोराइजा कौन सा फिनोमिना एक्सप्रेस करता है बताइए हाँ जी बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी दैट इज सिम्बायोसिस इसका मतलब म्यूचुअलिज्म से है ठीक है बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है बी चलिए बहुत बढ़िया अमन ट्वेल्थ में मेरे अराउंड एटी फाइव परसेंट आए थे चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स रीड करो जो मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो किस चीज में आता है बच्चों सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फ्लेजिला बताइए हां जी विच वन इज राइट बेटा जो मेन डिफरेंस आता है वो सेल वॉल में आता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का करेक्ट आंसर है ए वेरी गुड सोमू रमीन वेरी गुड बच्चो देवेंद्र बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं इसको बताइए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन चर एंड क्लासिफिकेशन टेल मी विच वन इज राइट वेरी गुड काजल वेरी गुड यस मोहम्मद अरफाद बिल्कुल सही बोला आपने जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी जो सेल वॉल काफी थिक है तभी तो वो स्टेन को होल्ड करके रख पाते हैं लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है जैसे कि ई कोला बैक्टीरिया उनकी जो सेल वॉल है वो काफी पतली यानी कि थिन होती है बच्चों ठीक है क्या बात है बच्चों वेरी गुड सो हेयर दी करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज टेक्सोनोमी ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन जीनो या बैक्टीरियल जीनोम या फिर न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ किस किस से मिलकर बना है ये बताइए जेनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम किसको कहते हैं हम जी अनुख बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए करेक्ट ऑप्शन हम आपका भी नाम लेंगे दिक्कत की क्या बात है ऐसा होता है ना कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ तो मेरा तो ध्यान तो स्क्रीन पे रहता है लैपटॉप की है ना लेकिन जब मैं देखती हूँ फोन में कि यार किस किसने कॉमेंट किया है आधे बच्चों के नाम ऊपर चले जाते हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सभी मेरे प्यारे बच्चे डीएनए भाई साहब बैक्टीरिया के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एक ही सिंगल उसी को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल जीनोम या जीनोफोर रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है जी so, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन लार्जेस्ट स्पॉम्स इन प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन इनमें से किसके अंदर लार्जेस्ट स्पॉम मिलेगा बच्चों बता दो हाँ जी बच्चों मैम अनस ने डी बोला अच्छा सो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का करेक्ट ऑप्शन बी है दैट इज साइकस साइकस मेल और और फीमेल सारे के अंदर ही होते लार्जेस्ट ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी द वॉकिंग फर्न यानी कि एडियनटम जो वॉकिंग फर्न है यानी कि एडियनटम उसका नाम वॉकिंग फर्न क्यों है यार क्या वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है अपनी लीफ टिप से क्या वो वॉक करना जानता है अपने आप या फिर जो उसके स्पोर्स है उन्हें वॉक करना आता है या फिर वो डिस्पर्स होता है थ्रू दी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स क्या लगता है आपको क्यों कहते हैं उसको वॉकिंग हाँ <coughs> <coughs> जी बच्चों क्या वो प्लांट दौड़ता हुआ इधर उधर चला जाता है क्यों उज्जवल शिवाज सोनी क्या लग रहा है आपको क्या आंसर होगा सुष्मिता जी सी ओके okay, सी कह रही है वो. कि इनके स्पोर्ट्स को वॉक करना आता है है ना अच्छा जी गेमर भाई सब भी यही कह रहे हैं यार कैसे कह सकते हो तुम ये प्लांट्स की बात हो रही है वॉक करके थोड़ी ना जाएंगे इनके स्पोर्ट्स पैर थोड़ी लग रहे हैं उनके रमीन बिल्कुल सही सोमू मे भी नहीं ट्रू है ए वाला बच्चे ए इज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि जो एडिएंटम है यानी कि जिसको आप वॉकिंग फोंड कहते हो होता क्या है उसकी जो लीव टिप्स होती है ना मान लो ये वो पौधा है तो ये उसकी पत्तियां है, है ना यहाँ पर जो उसकी टिप्स होंगी ना ये टिप्स जैसे ही वो सॉइल के मॉइस के कॉन्टेक्ट में आएंगी वहां से दूसरा ऐसा पौधा ग्रो हो जाएगा ठीक है जी तो बार बार वो अपनी लीव टिप्स का प्रयोग करके वेजिटेटिवली प्रोपेट कर जाती है ठीक है बच्चों याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंट्रास्ट टू एनलिट्स प्लेटी हेलमेंथिस शो मतलब ऐसी चीज जो प्लेटी हेलमेंथिस शो करते हैं बट एनिलिड नहीं करते बता दो जरा बताइए बच्चों इन कंट्रास्ट टू एनिलिट्स प्लेटी हेलमेंथिस शो मैं ऑब्जर्व करती रहती हूं, कौन से बच्चे कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे रही है इसीलिए मुझे कई बार तो मैं अपने पास नाम भी लिख लेती हूँ बच्चों के अमन प्रताप तो आंसर कम देता है मुझसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है मैम आपने क्या किया है मैम आपके में कितने हैं मैम आपके ट्वेल्थ में कितने आए है? है ना ये नहीं की क्वेश्चन कर दो जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी आंसर बताओ चलो बेटा यहाँ पर सबसे सबसे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी प्लेटी एलमेंटिस ए सीलोमेट होते हैं जबकि जो एनिलेट है उनमें सीलोम होती है ठीक है बच्चों आगे देखिए द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं उनका क्या फंक्शन होगा बच्चों चलो बता दो जी क्या लग रहा है आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों सॉरी ए वेरी गुड प्रियांशी वेरी गुड ऑस्मो रेगुलेशन इज द करेक्ट वन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वाक्यल्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कौन सा होता है बच्चों सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आज जो मेरे हिसाब से टॉप टेन की लिस्ट में आ रहे हैं बच्चे वो है सोमू देवेंद्र अनस, अमन भी आंसर तो करते हैं कुछ कुछ बीच में गलत कर देते हैं परिणता रमीन डेफिनेटली और सुजल जी एंड राखी सरकार मोहम्मद अरफाद और बताऊ और बता देते हम दीपशिका तो मैंने बता दिया सत्यम जी लेट हो गए वरना मैं टॉप टेन में जरूर उनका नाम लेती उज्जवल गुप्ता एंड काजल ये दोनों बच्चे भी हैं और, और बता देती हूँ मैं आपको जी ये तो मेरे टॉप टेन वाले बच्चे हो ही गए इनके अलावा सुष्मिता जी ने भी आज बहुत सारे आंसर दिए हैं ठीक है और रहन फजल बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया ऐसे ही लगे रहो इवन इफ आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी सिलेक्ट कर लिया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है एंड अनस्तुर बिल्कुल जी तनिषा कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया ना सुजल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहीं के यहीं डाउट पूछो मुझसे नीट में ये गलतियां आप लोग रिपीट मत करना बस ठीक है किरण दीप प्रकाश वेरी गुड रमीन बच्चों ऐसे लगे रहो डाउट पूछते रहो सही सही आंसर देते रहो शिवांश सोनी ठीक है भाई चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं किरण जी इसका क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट वन क्या होता है बच्चों सिंपलेस्ट वन ठीक है चलो यार मैं तो हूँ इंटेलिजेंट अमन अपना नाम क्या लेना <laughs> चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक डाइसिस इज शेडिंग ऑफ एक डाइसिस का मतलब होता क्या है एक एग्जांपल दे दू मैं आपको नागिन नाटक तो देखा होगा सबने नागिन सीरियल समय समय पे ये जो नागिन है वो अपनी जो स्किन है उसको शेड करती रहती है स्किन उतारती रहती है हिंदी में कहते हैं केचुली उतारना अब बता दो जब भी उनके अंदर स्किन को कास्ट किया जाता है तो वो कौन सा पार्ट होता है स्किन का स्ट्रैटम कॉर्नियम एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर स्ट्रैटम एलपीजी चलो बेटा यस उज्जवल ऐसी ट्राई करते रहो बच्चों। कोई बात नहीं शमशेर जल्दी से एग्जाम्स ओवर हो जाए फिर क्लास में आना कोई दिक्कत नहीं है भैया एग्जाम्स तो जरूर देना पड़ेगा वेरी गुड श्वेता गुप्ता वेरी गुड बेटा इस क्वेश्चन का आंसर लेकिन अरे सुष्मिता जी क्या बात है ए होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का करेक्ट आंसर है ए स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या आंसर है बच्चों स्ट्रेटम कॉर्नियम ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इन विच ऑफ फॉलोइंग दिमोसाइन पिगमेंट इज फाउंड इनमें से किसके अंदर हिमोसाइन मिलती है सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर्ड पिगमेंट चलो अंदाजा लगाओ हाँ जी बच्चों क्या लग रहा है आपको अगर एक एग्जाम्पल आपको याद होगा ना तो आप बता सकते हो कौन सा इसमें करेक्ट होगा ऑक्टोपस याद है ऑक्टोपस तीन दिल नीला खून ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा आपने पढ़ा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है ये पता है तो आंसर भी पता होगा चलिए सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का ऑप्शन डी यानी कि मोलस्का का ठीक है बच्चों इनके पास एक पिगमेंट है हिमोसाइनिन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट एनल टेल इज फाउंड इनमें से किस में पोस्ट एनल टेल मिलती है चलिए बताइए पोस्ट एनल टेल ओके अमीशा वेरी गुड बच्चे ऐसी आंसर्स देते रहो जी रितेश वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्ट एनल इज फाउंड बताइए क्या सही लग रहा है अच्छा मुझे याद आया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखे तुमने मुझे पूरी डॉट बी इज माई इंस्टाग्राम आई आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है बच्चों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पूरी डॉट बी पी यू आर आई पूरी डॉट बी ठीक है चलिए और ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मैं आपको बता दूं, जितने भी वॉटी होते हैं उनके पास ही पोस्ट एनल टेल होती है और यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी एक वॉटी है यानी कि स्नेक बाकी तीनों क्या हैं? इन वॉटी ठीक है बच्चों याद रखोगे तो नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन सेलेक्ट पेयर आपको वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है बताइए फटाफट से तीन और प्रश्न हमारे पास है फिफ्टी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज सर्बिक जी सर्बिक जी आराम से एक एक बार बता दो हम देख लेंगे सेलेक्ट द मैच एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन डेनियर यानी कि टी ओ डेनियर प्राइन्स लुइस पास वैक्सीनेशन, रेबीस एक्चुअली एंड डब्ल्यू स्टेनले फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज वायरसेस। स्टेन बेटा आप लोगों से पूछा है मिसमैच और यहाँ पर जो सेकेंड वाला है वही मिसमैच लग रहा है क्यों भाई क्योंकि टी ओ डेनियर तो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए इसमें से गलत कौन सी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बच्चों टेल हां जी अमन क्या बोला मैम वर्टीब्रेड तो वो होते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड लाइक बोन्स होती है अरे भैया पोस्ट एनल टेल भी तो होती है एनसीआरटी में देखिए बच्चे चैप्टर नंबर फोर में एक आपको डिफ्रेंशिएशन की टेबल दी हुई है है ना कॉडेटा और नॉन कॉडेटा में एक बार वो टेबल देखना आप डिस्कवरिंग माई सेल्फ आज तो बड़े लेट आयो भाई वेरी गुड स्नेहा सो so बच्चों इसका करेक्ट आंसर है डी

बेटा एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है है ना स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन इन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बताइए इनमें से कौन सा ऐसा एक्सक्लूसिव फैक्टर है जो कि सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा वाटर टेम्परेचर फोटो पीरियड या ऑल ऑफ दीज यस yes, काजल वेरी गुड नई बच्चों बेटा वेरी गुड डिस्कवरिंग माई सेल्फ प्रे ये क्या है प्रियम वादा वेरी गुड वेरी गुड सुजल वेरी गुड चलो भैया ऑप्शन सी दैट इज फोटो पीरियड ऑप्शन सी यानी कि फोटो पीरियड इज एब्सोल्युटली राइट ठीक है बच्चों ये स्पेसिफिकली रेगुलेट करता है किसको रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स ठीक है अब देखिए विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज चलो बताइए लास्ट क्वेश्चन है आज का बताइए उज्जवल विच वन इज राइट yes dear students which one is right keys ठीक है तो बच्चों कीज ही वो होती हैं ऐसी टेक्सोनॉमिकल एज होती हैं जिसका हम यूज करते हैं क्या करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए राइट तो ये आप लोग याद रखिएगा अब चैप्टर नंबर वन टू तो फोर हम सारे डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत अच्छे से आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ना शुरू कर दो उसके भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड प्लीज आप लोग वीडियोस को लाइक like किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो और जो भी कोई प्रॉब्लम डाउट्स आप लोगों को लगते हैं आप लोग मुझे बताइए मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी ठीक है बच्चों सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स बाय बाय चैप्टर फिफ्थ की तैयारी शुरू कर दो बच्चों ठीक है गुड नाइट